गाइस अगर आप फुकरा इंसान और ठगेश के वीडियो की तरह आप भी अपने वीडियो के बैकग्राउंड में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मोबाइल में ही अपने वीडियोज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो के बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखने के पहले आपको सबसे पहले अपने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको पिक्सार्ट ऐप को यूज करना है या पिक्सल लैब को। तो मैं यहाँ पे पिक्सल लैब ऐप को यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको ऊपर की साइड 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है 7680 और 4320। जैसे आप 7680 और 4320 लिखोगे यहाँ पे जो रेशियो है वे आ जाएगा 16.9 का। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको टेस्ट में सेलेक्ट करना है ए में और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, इस पे क्लिक करना है और आपका जो भी वॉइस है सिंपली आपको यहाँ पे उसे टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो कैसी है मेरी जानता। अब गाइस शब्द टाइप कर लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे शब्द को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फंड का। सिंपली फंड पे क्लिक करना है और आपको अपने फंड को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी फंड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली आपको उस फंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने शब्द का साइज इंक्रीज कर लेना है। आपके एक ऑप्शन मिल जाएगा साइज का, सिंपली इस पे क्लिक करना है और इसे स्क्रॉल करके आपको इसका साइज इंक्रीज कर लेना है और इसे स्क्रॉल करके आपको इसे बीच में एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे जो आपका बैकग्राउंड है वे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब गाइस आपको अपने शब्द का कलर आपको अपने वीडियो के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो का बैकग्राउंड स्क्रीनशॉट ले लेना है और बैकग्राउंड एड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे बीच ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और अपने गैलरी से उस स्क्रीनशॉट फोटोज को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और यहाँ पे ऊपर की साइड 3 डॉट के नीचे जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और इस स्क्रीनशॉट फोटो को आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल कर देने है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे शब्द का यहाँ पे जो कलर है वे मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे मैचिंग कर जा रहा है। तो फिर आपको अपने शब्द को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ए में सिलेक्ट करना है और कलर पे क्लिक करके आपको इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देना है और फिर आपको इस 3 डॉट के नीचे जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और अपने इमेज को यहाँ पे इसे म्यूट कर देना है। अब गाइस आपको इस शब्द को सेव कर लेने हैं अपने गैलरी में, तो सिंपली आपको इस सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है और ये टेक्स्ट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यह शब्द यहाँ पे पीएनजी में सेव हो गया है मेरे गैलरी में। इसी प्रकार से आपको अपने शब्द को पिक्सल लैब में टाइप करके पीएनजी में सेव कर लेने हैं अपने गैलरी में। अब गाइस आपको अपने वीडियो के बैकग्राउंड में इस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं और यहां पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने गैलरी से अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पे वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं। वीडियो ऐड कर लेने के बाद सिंपली आपको इसके लास्ट पार्ट और यहां पे स्टार्टिंग पार्ट स्प्लिट करना है, वहां पे आपको कर्सर को रखना है और फिर आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है और नीचे आपको स्प्लिट पे क्लिक करके आपको यहां पे एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके और डिलीट कर देना है और ये जो कैपकट एप्लीकेशन का वाटरमार्क है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में कर्सर को लाना है। अब फिर आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है और इसे यहाँ पे आपको जूम कर लेना है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे इतना जूम कर लिया। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मैं यहाँ पे सेंटर में सेट कर रहा हूँ। तो आपको भी अपने वीडियो को यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे मैंने अपने वीडियो को जूम इसलिए किया क्योंकि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियो, तो उसमें जूम इन और जूम आउट काफी यहाँ पे प्रोफेशनल दिखता है वीडियो में। तो उस प्रकार से आपको अपने भी वीडियो में जूम इन और जूम आउट करना है जिससे आपका वीडियो काफी यहाँ पे अच्छा दिखे टेक्स्ट ऐड करने पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे जूम कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो को सिलेक्ट रखना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का, सिंपली आपको कॉपी पे क्लिक करना है और सिंपली आपको कॉपी वीडियो को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे यह वीडियो नीचे की तरफ ओवरले में आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे एडजस्ट कर लेने के बाद आपको ओवरले वीडियो को फिर सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कट आउट का, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और अपने ओवरले वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर देना है। अब सिंपली आपको इसमें यहाँ पे जूम इन और जूम आउट ऐड करने के लिए आपको दोनों वीडियो को यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो जहाँ पे भी जूम इन जूम आउट करना है वहाँ पे कर्सर को रोकना है और अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है और स्प्लिट पे क्लिक करना है, फिर वहीं पे कर्सर को रहने देना है और दूसरे क्लिप को सिलेक्ट करना है और फिर स्प्लिट पे क्लिक करना है। आगे की तरफ फिर आपको कर्सर को करना है और फिर यहाँ पे आपको स्प्लिट कर लेने हैं दोनों
क्लिप को, जैसे कि मैं इस बीच वाले वीडियो क्लिप को यहाँ पे जूम आउट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसे जूम आउट कर देना है और इसे यहाँ पे फुल स्क्रीन पर यहाँ पे करके आपको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको ओवरले वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है और इसे भी यहाँ पे आपको जूम आउट कर देना है और इसे भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब सिंपली आपको इसमें यहाँ पे साउंड इफेक्ट एड कर देने हैं, तो आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ पे नीचे आपको साउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट में बहुत सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कैटेगरी का यहाँ पे स्विच साउंड को यूज करने वाला हूँ, तो सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड एड हो गया। सिंपली आपको इसे जूम करना है यहाँ पे प्रोजेक्ट को और इसे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे इसी साउंड को यहाँ पे आपको सेकंड में भी यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। अब सिंपली आपको इसमें टेक्स्ट ऐड करने हैं, तो जहां पे भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है वहां पे कर्सर को रखना है, फिर आपको ओवरले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और आपको अपने गैलरी से उस टेक्स्ट को ऐड कर लेना है जिससे आप पिक्सल लैब से सेव किए हो। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब सिंपली आपको अपने टेक्स्ट का यहाँ पे ड्यूरेशन को स्क्रॉल करके इसके ड्यूरेशन कम करने हैं और प्रोजेक्ट को यहाँ पे जूम करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लेयर का, सिंपली इस पे क्लिक करना है और सेकंड लेयर में सिलेक्ट रहेगा तो सिंपली आपको फर्स्ट लेयर में सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यह टेक्स्ट यहाँ पे वीडियो के बैकग्राउंड में ऐड हो गया। अब सिंपली आपको टिक पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको जहां पे भी एडजस्ट करना है सिंपली आपको वहां पे स्क्रॉल करके एडजस्ट कर लेना है। अब गाइस सिंपली आपको वीडियो को प्ले करना है और जहां तक आपको इस टेक्स्ट को रखना है सिंपली आपको वहां पे कर्सर को करके इसे स्क्रॉल करके आपको वहां पे ट्रिम कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट। फिर आपको वहां से दूसरे टेक्स्ट को ऐड करना है, तो फिर आपको ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और दूसरे टेक्स्ट को ऐड कर देना है। अब गाइस टेक्स्ट ऐड कर लेने के बाद आपको टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करना है जिससे आपका जो टेक्स्ट है काफी प्रोफेशनल दिखे आपके वीडियो में, तो सिंपली आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन का, इस पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे आपको इन में सिलेक्ट रखना है, आपको इन कैटेगरी का ही एनिमेशन टेक्स्ट में ऐड करने हैं जिससे आपका वीडियो काफी अच्छा दिखेगा। आप आउट कैटेगरी का भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो बट इन कैटेगरी का एनिमेशन काफी अच्छा यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मैंने इस एनिमेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब इसके यहाँ पे जो स्पीड है उसे आपको यहाँ पे 0.1 सेकंड रखना है, उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करने हैं, तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और सभी टेक्स्ट में यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने वीडियो में यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब आपको टेक्स्ट को उसी प्रकार से यहाँ पे चेंज करना है, जैसे कि मैं किसी टेक्स्ट को यहाँ पे वीडियो के बैकग्राउंड में ऐड किया हूँ, किसी टेक्स्ट को यहाँ पे वीडियो के यहाँ पे फ्रंट पे ऐड किया हूँ। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है और आपको अपने लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे वीडियो के बैकग्राउंड में चला जाएगा और वीडियो के फ्रंट पे भी ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेयर को एडजस्ट कर लेने हैं। अब गाइस चलिए मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यह वीडियो मेरा कैसा दिख रहा है, कैसे यह वीडियो मेरे गैलरी में यहाँ पे सेव हो गया है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यह वीडियो काफी प्रोफेशनली दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप काफी आसानी से अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।